चलिए एनिमल की बात कर लें तो जैसे कि मैंने प्लान का स्टार्ट किया था उस समय कहा था कि दो श्रेणी, एक निम्न श्रेणी और एक उच्च श्रेणी। तो जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं या पौधे होते हैं उनमें एनर्जी की कम आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए उसमें क्या होता है विसरण क्रिया द्वारा जो भी भोजन मिला काफ़ी है। लेकिन जो बड़े जीव हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उसमें इसके लिए एक विशेष सिस्टम होता है। जैसे कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण, जो बड़े पौधे थे उन्हें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन मिला। अब जंतु में क्या होगा, जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं उनमें भी शरीर के सतह के द्वारा विसरण क्रिया के द्वारा भोजन मिल जाएगा। जैसे हम बात कर लें अमीबा के बारे में, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। ओके, तो अमीबा क्या है, अमीबा एक कोशिकीय मृदुजलीय प्राणी संपोषी जीव है। ओके, याद रहेगा, जिसके शरीर का स्ट्रक्चर क्या होता है, अनिश्चित होता है, इसके शरीर का संरचना अनिश्चित नहीं होता, वह किसी भी टाइप का हो सकता है। तो अगर हम अमीबा का स्ट्रक्चर की बात करें तो आप किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर बना दीजिए, ये आपका अमीबा का एक स्ट्रक्चर बन के आ गया। तो देखिए इसका, इसको हम लोग अगर डिवाइड करें तो तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कह लें, तो देखिए ये जो एक्सटर्नल पार्ट है इसको बोलते हैं कूटपाल। देखिए हम एकदम शॉर्ट में बात करेंगे इसका, ठीक है, बीच में जो ये जो आपका लिक्विड फॉर्म में दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। और ये जो गोल गाढ़ा संरचना है इसको बोलते हैं केंद्रक। तो मेनली किसी भी सेल की बात करें, किसी भी कोशिका की बात करें, तो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ताकि अध्ययन में आसानी हो। एक तो बाहरी जिसको हम कोशिका झिल्ली बोलते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, कूटपात कहेंगे, अमीबा है इसीलिए। जीव द्रव्य, इसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, जीव द्रव्य बोलते हैं। और जो कोशिका के मध्य भाग में गोल गाढ़ा संरचना होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो देखिए इसका जो शरीर का संरचना होता है वो किस पर निर्भर करता है, कूटपाद के ऊपर निर्भर करता है। कूटपाद का जो स्ट्रक्चर है वो जैसा चेंज करेगा इसका शरीर का स्ट्रक्चर वैसा चेंज होता चला जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसका क्या होता है, शरीर का संरचना निश्चित नहीं होता है। और इसके सामने जब भी कोई फूड पार्टिकल्स आएंगे तो ये क्या करेगा, कूटपाद को ही उसके चारों तरफ फैलाएगा और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नीचे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि ये आपका अमीबा है, सपोज कीजिए अमीबा है, ठीक है, इसके सामने ये भोजन के कण है। तो अगला स्टेप में क्या करेगा, अगला स्टेप में यहाँ पर भोजन के कण, ठीक है, ये क्या करेगा, कूटपाद को इसके चारों तरफ फैलाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये जो यहाँ पर केंद्रक हो गया और ये जो फूड पार्टिकल्स था इसको क्या करेगा, कूटपाद को चारों तरफ से फैलाएगा और इसको क्या कर लेगा, अपने अंदर कर लेगा, ठीक है। जैसे ही इसको अपने अंदर ये करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर भोजन राजधानी का निर्माण हो जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर भोजन राजधानी का निर्माण हो जाएगा और यहीं पर क्या होगा, इस फूड पार्टिकल्स का पाचन हो जाएगा। ये जो भोजन के कण है इसका पाचन हो जाएगा भोजन राजधानी में। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा भोजन राजधानी में होता है। अब जब भोजन पच गया तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो वेस्ट पार्टिकल बचेंगे ही, तो वो क्या करेगा, कूटपाद को फिर से यहाँ से फैलाएगा इस तरीके से, यानी कह लें रिवर्स इस टाइप से, ठीक है, और क्या कर देगा, इसको बाहर की ओर एक्सक्रिएट कर देगा। तो देखिए अमीबा में पूछा जाता है पोषण कितने चरणों में कंप्लीट होता है, तो तीन चरणों में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा, तो सबसे पहला तो हो जाएगा आपका अंतर्ग्रहण, ठीक है, दूसरा पाचन और तीसरा बहिष्करण। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला पॉइंट अंतर्ग्रहण, भोजन के कण सामने आएंगे इसको क्या करेगा, अंदर करेगा। उसके बाद पाचन, जब भोजन के कण अंदर आ गए तो उसको क्या करेगा, पचाएगा, और जब पच गया तो बहिष्करण यानी कि शरीर से बाहर एक्सक्रीट कर देगा कुछ इस तरीके से। तो यह फिगर भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो इसको डिटेल में आप लिख सकते हैं। जब अमीबा के सामने भोजन के कण आते हैं तो वो अपना कूटपाद भोजन के कण के चारों तरफ फैलाते हैं और उसको अपने अंदर कर लेता है। जहाँ पर भोजन के कण अंदर आते हैं वहाँ पर भोजन राजधानी का निर्माण होता है, भोजन का पाचन होता है। भोजन जब पच जाता है तो उसके बाद कुछ वेस्ट पार्टिकल बचते हैं जो पुनः कूटपाद के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, ठीक है। चलिए तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा।